अब बात करें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर की, तो जहां पर रामपुर में आजम खान के विवादित बयान ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया है, वहीं पर जयप्रदा के अपनी चुनावी सभा में संबोधित करते हुए आजम खान पर जमकर बरसी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी आजम खान का नाम लिए बिना उन पर भड़कते हुए दिखाई दिए। जो निकने किया है उसको कोई आदमी उसको दोहराकर नहीं बोल सकता है, कोई मीडिया वाले दोबारा उसको दिखा के दोहरा कर नहीं बोल सकते हैं। तो मैं एक औरत हूं, मैं भी नहीं कह सकती किस तरह का उस टिप्पणी को। वो अभी इस तरह का जुल्म उनके आदत है। आजम खान साहब जो दिखते हैं वो है ही नहीं है। ये जो अंदर का आजम खान जो महिलाओं से नफरत करता है, महिलाओं से उनको चिढ़ है, महिलाओं को देख के वो अपमान करने का उसी नजर से देखता है कि वो कभी भी एक भाई, एक भाई के नाते कभी उसने मेरे को नजर उस नजर से नहीं देखा होगा। इसलिए आज इस तरह का टिप्पणी करके इस शर्मनाक बयान से खड़े उतरे। एक गाली गैंग का मुगाम्बो बनने का कंपटीशन चल रहा है, और ये गाली गैंग तब खुश होता है जब महिलाओं का अपमान करता है, भारत माता का अपमान करता है, देश के सम्मान और स्वाभिमान का अपमान करता है, देश के सुरक्षा बलों का अपमान करता है। लेकिन एक बात तय है कि इन सारे अपमान का बदला देश की जनता, प्रदेश की जनता और विशेष तौर से रामपुर की जनता सूद ब्याज के साथ इन चुनाव में ले लेंगे। और आपने क्या मुगाम्बो गैंग को खत्म करना है, इसका क्या मतलब नकवी साहब? मुगाम्बो जो है वो निश्चित तौर से एक ऐसा खलनायक है जो देश की बर्बादी पर, भारत माँ के